आज के इस वीडियो पे मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और सुरक्षा अभी तो न्यूज़पेपर पे ऐसी ऐसी हेडिंग्स आ रही हैं, ऐसी ऐसी फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ रही हैं, जिसको देख के ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल हो क्या रहा है और यहाँ पर कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं। मतलब किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी स्टेट की प्रॉब्लम है। और मुझे जो लगता है ये कि ऐसा होता है कि जब कहीं कोई केस आता है न्यूज़पेपर पे, वो छप जाती है खबर, और उसके बाद उस पर इतना बवाल होता है, इतना दंगा होता है, दंगाई हो जाते हैं, वो मारपीट करना, हुल्लड़बाजी करना, जलाना चीज़ों को, मतलब ये सब चीज़ें, उपद्रव मचाया जाता है किसके विरोध के लिए कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पर एक ऐसी घटना हुई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ, रेप हुआ, ऐसे बहुत सारे सीन हुए या उनको मार दिया गया, और उसके बाद वहाँ इतने दंगाई आ जाते हैं जो पूरी चीज़ों को तहस नहस करके रख देते, पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर रख देते। लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये जो दंगाई है या उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, या ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा ही अपने जो आज़ादी है उसको यूज़ करने वाले लोग हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं, और क्या ये वही लोग हैं जो ऐसी हरकतों में शामिल होते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो खुद रात के अंधेरे में कांड करते हैं और दिन के उजाले पे अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश करते हैं और दंगा फसाद करते हैं और ये दिखाते हैं कि जनता को इतना गुस्सा भरा हुआ है? पर ये जनता का गुस्सा नहीं है, ये खाली उनकी खुन्नसबाजी, ये जो मुझे प्रैक्टिकल समझ में आता है। क्योंकि इतने सेंसिटिव विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी पे दिखाई दे, जिसका असर महिलाओं को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें सुरक्षित बनाई गई हैं हमारे लिए। ना कि ये कि अभी तो ऐसा भीड़ का जो रूप देख रहे हैं, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं और उसके बाद इतनी भीड़ आ जाती है कहीं पर कि वो शायद उस जो सिचुएशन, जो केस है, उस सिचुएशन से भी ज़्यादा बुरी स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है, सिर्फ किस लिए? उन उपद्रवियों के कारण से। तो क्या न्याय मांगने का यही एक तरीका है, उपद्रव मचाना? क्या इस उपद्रव मचाने से क्या सही न्याय मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो फिर सही रास्ता क्या होगा और कब डिसाइड होगा, कब तय होगा ये? क्योंकि तो ये तो समझ में आता है कि हर महीने में एक दो ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद जो भी गुनहगार होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और लगभग लगभग 10 दिनों के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हाँ कहीं पर कुछ घटना हुई भी थी और सामान्य जीवन चलने लगता है। ऐसे नियम कब बनाए जाएंगे, कब इन पर ऐसी कार्यवाही होगी कि जिस पर तुरंत लोगों को समझ में आए, महिलाओं को समझ में आए कि फलाने व्यक्ति ने गलत किया और उसको ये सजा हुई, और वो सजा ऐसी हो जो जिसने गुनाह किया है उसके पैरेलल, उसके बराबर की सजा उसको होनी चाहिए। कल मैंने एक न्यूज़पेपर पे एक घटना पढ़ी जिसमें अजमेर के कांड के बारे में बताया, जो 32 साल बाद उसमें 7 या 8 लोगों को सजा सुनाई, 32 साल बाद, मतलब किसी घटना के 32 साल बाद, और उसमें लगभग लगभग 100 लड़कियों के साथ में इस तरीके की हरकत की घटना उसमें रिपोर्ट की गई, और मतलब 100 लड़कियों को 32 साल बाद अगर न्याय मिले तो 32 साल का समय कितना होता है, आज उसमें कितनी जीवित होंगी, उनके कैरियर का क्या हुआ होगा, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा होगा, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे तो यही लगता है कि सबके लिए पूरी हमारी न्याय व्यवस्था ही जिम्मेदार है, और ऐसे सभी लोग जो सिर्फ केस आने के अगले दिन से उपद्रव मचाते हैं लेकिन उनको सच में न्याय की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ उपद्रव मचाते हैं और सिर्फ ये दिखाते हैं कि हाँ हम रात के अंधेरे में कुछ भी करें और दिन के उजाले में साफ सुथरा बन के घूमेंगे। ये मेरे विचारधारा है, हर महिला की स्वतंत्रता है, हर महिला की विचारधारा है, लेकिन यूनिटी बहुत जरूरी है। अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कहने का अधिकार आपके पास में है, लेकिन जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको दबा के रखा जाएगा, और दबाने के बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगी कि ऐसी बस घटनाएं हमारी सिस्टम में, हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में होती रहेंगी, और इसी तरीके से जो एक्यूज होगा उसको एक्शन, बस यूं ही, बस सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। तो क्या यूं ही चाहिए क्या? यूं ही जो चल रहा है वो सब सही चल रही है? नहीं चल रहा ना, कुछ परिवर्तन होना है। कुछ परिवर्तन यदि करना है तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, कुछ तो करना होगा, आपको अपने लेवल पर करना होगा। लेकिन इस तरीके से उपद्रव मचाने से कोई भी चीज़ों का समाधान नहीं होता। इसको आपको भी समझना पड़ेगा, इसको आपके आसपास के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई समस्या है और वो समस्या जेन्युइन है तो उसके लिए एक्शन भी उस तरीके का सोच समझ के होना चाहिए, और एक्शन ऐसा जिसका प्रभाव समाज में दिखाई दे। सिर्फ वो एक्शन ऑन पेपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो जो एक्शन है न्यूज़पेपर में छपने बस के लिए नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव समाज में दिखाई देना चाहिए, तभी महिलाएं अपने आप को इस देश में, इस राज्य में सुरक्षित समझेंगी। धन्यवाद।